जय हिंद बच्चों। तो आप सभी का न्यू लाइट नीट के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो। आप सभी जानते हैं कि आज की डेट है 19th of October और सिंह सर लेके आए हैं आपके लिए IPL का टेस्ट। तो चलिए हम बच्चों से बात करते हैं कि कैसा रहा उनका IPL का टेस्ट, बच्चों के क्या क्या रिव्यूज हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बच्चों के आने की स्टार्टिंग हो चुकी है, तो पहले तो हम बात करते हैं बच्चों से, देखते हैं कि क्या उनका रिव्यू है, उनको कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रहा है। और फिर आज हम लौटते टाइम भी, वापसी में भी देखेंगे कि बच्चों को कैसा लग रहा है, किस तरीके से वो अपना पेपर करके आए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नमन, आज आपको कैसा लग रहा है? लाइक आप कॉन्फिडेंट हो या फिर नर्वस हो रहे हो आज के टेस्ट के लिए? आज के लिए तो एक्साइटनेस है और सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, क्योंकि जितना भी आज का टॉपिक है ये कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बायो के लिए आज का टॉपिक छोड़ना तो जैसे होगा कि आप एक नीट के पीछे से अब अपना एकदम पीछे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आने वाले इस टेस्ट में 100-200 क्वेश्चन करने होंगे, लेकिन इससे जो हमें बेनिफिट होगा वो हमें 200 क्वेश्चन में से हमें 20 क्वेश्चन का बेनिफिट होने वाला है इस टॉपिक से। तो एटलीस्ट 80 नंबर का मैं कहूँगा कि नीट बोनस मिल रहा है। और इसके लिए थैंक यू सबसे पहले तो SP सर को और हमारी पूरी नीट लाइट की टीम। थैंक यू बेटा। आपको कैसा लग रहा है, क्या स्ट्रैटेजी है आपकी आज के IPL टेस्ट के लिए? आज तो ठीक है, बहुत ही एक्साइटेड हूं। किस तरीके से आपने आज के टेस्ट के लिए पढ़ाई की हुई है? मैंने 2-3 दिन से, मतलब जब पता चला कि यहाँ IPL होने वाला है तो मुझे लगा ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, कि इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूज किया जाता है। ओके थैंक यू। बहुत अच्छा है, आप सबको कैसा फील हो रहा है आज? साहस ना जोश। हेलो विकास, कैसा लग रहा है आपको अभी टेस्ट देके आ रहे हो? तो बढ़िया बढ़िया लग रहा है। उसकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हो या नहीं? प्रॉपर सेटिस्फाइड हो। ओके, तो आज के टेस्ट की क्या स्कोरिंग रहेगी आपकी? 310 प्लस हो रही। वेलकम बैक टू अवर चैनल न्यू लाइट नीट। तो आज है हमारा डिजीजेज एंड एग्जाम्पल का IPL का पेपर। तो हर साल इस पेपर से पूछे जाते हैं लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, और हर साल ये पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। तो आज IPL के पेपर में हम लोग बच्चों के एक्सपीरियंसेस देखेंगे कि उनको पेपर करते टाइम पे क्या दिक्कतें आई, क्या प्रॉब्लम्स आई, कि बच्चों ने क्या गलती की पेपर में। तो अगर बच्चों ने ये टेस्ट बहुत अच्छे से दिया होगा तो ऑफकोर्स उनका नीट 2025 में इस चीज़ से बहुत हेल्प मिलेगी उनको। लेट्स गो, बच्चों से इनका रिव्यू लेते हैं पेपर के लिए कि आज का पेपर उनको कैसा लगा। लेट्स गो। तो अब हम लोग एंटर करते हैं LT1 की तरफ। LT1 के बच्चों से पूछते हैं कि आज का पेपर उनको कैसा लग रहा है। ठीक है, गुड आफ्टरनून बच्चों। तो कैसा लग रहा है आज का पेपर? तो जैसा कि सिंह सर बोलते हैं कि हर साल इससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन। तो 15 से 20 क्वेश्चन तो आप गलत नहीं होंगे, पक्का ना? रैपिड फायर देखा था सबने? बढ़िया, एकदम प्रिपेयर करके आए हो ना? गुड। तो हाउ इज द जोश?
हाउ इज द जोश? नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट हॉल की तरफ. ऑल द बेस्ट बच्चों. तो अभी बच्चों का पेपर ख़त्म होने वाला है IPL का, और हम लोग बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों का पेपर कैसा हुआ, उन्होंने क्या क्या गलतियां की और उनको क्या क्या इन पेपर्स में और क्या क्या चीज़ें चाहिए, और उसके साथ हम लोग बच्चों के एक्सपीरियंसेस के बारे में जानेंगे. तो हम लोग बच्चों से पूछते हैं कि उनको आज का पेपर कैसा लगा. तो बच्चों पेपर कैसा था? बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया था. और क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए आपने? 165 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए आपने. 150 आपने. 126. तो मतलब आपको अब ये लग रहा है कि एग्जाम्पल हमारे तैयार हो जाएंगे इस पेपर से, डिजीजेस तैयार हो जाएंगे इस पेपर से, अब कोई दिक्कत नहीं होगी डिजीज. तो इस पेपर को जाके एनालाइज करना और जितना हो सके इसको बार बार रिपीट करना, क्योंकि तुम लोग को अगले साल कहाँ पे दिखना है? यहाँ पे दिखना है ना. गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन. भूमि पेपर कैसा रहा? अच्छा गया सर. ठीक रहा. IPL का पहला पेपर? जी सर. डिजीज आ रही थी और एग्जाम पहला रहे. हाँ सर. दोनों किताब प्रॉपर कवर हुए? हाँ सर, पूरी. तो कुछ छूटा तो नहीं कहीं पर? नहीं सर. आज कितने क्या कैलकुलेट कर लिए कितने मार्क्स आ रहे? हाँ सर, कितने आ रहे? 695. कैसा रहा बेटा पेपर आज? अच्छा. आज पहला IPL हुआ. Yes, तो इस IPL में क्या क्या आया था? डिजीज और एग्जाम्पल. तो पूरी कवर हो गई फर्स्ट बुक सेकेंड बुक पूरी? Yes. कहीं कुछ छूटा तो नहीं? No, कोई क्वेश्चन ऐसा जो बाहर से आया हो लग रहा हो? No, sir.